नमस्कार, जी न्यूज पर आपके साथ मैं आदिति त्यागी हूं। सैम पित्रोदा के विवादित बयान पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने तगड़ा हमला किया है। आपको बता दें, अरुण जेटली ने कहा कि सैम पित्रोदा राहुल के गुरु हैं और जैसा गुरु वैसा चेला है। जेटली ने कहा कि ये स्ट्राइक से सिर्फ कांग्रेस और पाकिस्तान को दर्द हुआ। वहीं सैम पित्रोदा ने आपको बता दें आज सुबह कहा था कि सरकार को एयर स्ट्राइक नहीं करनी चाहिए थी। तो एक तरफ सैम पित्रोदा की तरफ से कहा गया एयर स्ट्राइक नहीं की जानी चाहिए थी भारत की तरफ से, दूसरी तरफ बड़ी बात यह कही थी कि 26/11 के हमले में 8 लोग शामिल थे। अब ऐसे में पूरे पाकिस्तान को कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता है। उसी पर वित्त मंत्री अरुण जेटली की तरफ से जबरदस्त पलटवार किया गया। न सिर्फ सैम पित्रोदा को निशाने पर लिया बल्कि कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर भी जोरदार हमला किया कि जहां से आतंक आरंभ होता है अपनी रक्षा करने के लिए हम वहां उसको डिस्ट्रॉय करने जाएंगे। सर्जिकल स्ट्राइक भी यही थी और एयर स्ट्राइक्स भी यही थी। दुनिया का एक देश ऐसा नहीं है कि जिसने इसकी निंदा की हो। हमारे दोनों ऑपरेशन सफल हुए, टेररिस्टों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, हमारा एक भी सिक्योरिटी फोर्सेस का पर्सनल आर्मी का सर्जिकल स्ट्राइक में या एयरफोर्स का एयर स्ट्राइक में सैक्रिफाइस नहीं हुआ। हमने सिर्फ टेररिज्म पे अटैक फोकस किया और सफल होकर वापस आए और पूरी दुनिया ने हमारा समर्थन किया। अब आज का ये बयान श्री सैम पित्रोदा का ये दिखलाता है कि उनका मानना यह है कि यह गलत किया हमने। यह तो दुनिया के किसी देश ने नहीं कहा और किसी ने अगर कहा यह तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक नेशंस ने भी नहीं कहा, कंट्रीज ने नहीं कहा, केवल यह पाकिस्तान ने कहा। और उस लाइन को सपोर्ट करने वाले इस देश में आ जाएं और इस देश में एक राजनीतिक दल के आइडियोलॉग हों तो इस देश का दुर्भाग्य है। मैं ये कहूंगा कि देश को अब यह तय करना है कि वो पुरानी जो सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन थी कि वो एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर को पार करके रोज टेररिस्ट भेजें और हम लोग उसको अपने आप को डिफेंड करते रहें। मैं गौतम गंभीर यहां बैठे हैं तो इसलिए क्रिकेट का उदाहरण देके ज्यादा सरलता से समझाऊंगा। मैच कभी बैकफुट पे खेल के जीता नहीं जाता, फ्रंट फुट पे जीता जाता है, रन तभी बनते हैं। और यही हमारी सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन में इवॉल्व हुआ है। अगर गुरु कैसा हो, ऐसा हो और उसके विचार ऐसे हो तो शिष्य कितना निकम्मा निकलेगा, आज इस देश को भुगतना पड़ रहा है। और अब आपको तफसील से वो बयान सुनवाते हैं सैम पित्रोदा का, जिस पर अरुण जेटली की तरफ से प्रतिक्रिया आई थी। अटैक्स हैपन ऑल द टाइम, अटैक हैपन ड्यूरिंग व्हाट वाज दिस मुंबई ताज होटल एंड ओबेरॉय होटल, ओके। I mean, we could have then reacted and just send our planes, but that's not the right approach, according to me. That's not how you deal with world, okay? Because 8 people come and do something, you don't jump on the entire nation. It doesn't work that way. तो मेरे तीन सहयोगी इस समय साथ में हैं, रविंद्र कुमार, ब्रह्म प्रकाश दुबे और साथ ही विशाल पांडे भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले रविंद्र कुमार, आप ही का रुख कर रही हूं। जोरदार प्रहार अरुण जेटली की तरफ से राहुल गांधी पर किया गया। उन्होंने कहा जब ऐसा गुरु होगा तो चेला तो निकम्मा होगा ही। बिल्कुल, सनातन परंपरा है, जैसा गुरु होगा वैसा ही चेला निकलता है। अच्छे गुरु के अर्जुन निकलते हैं और अगर गुरु दूसरा हो तो शुक्राचार्य जी से तो रावण भी पैदा होते हैं। तो जाहिर तौर पर जो उन्होंने उदाहरण दिया वो राष्ट्र अगर देखा जाए, उस नजरिए से देखा जाए तो कोई भी सवाल अगर पाकिस्तान के हितैषी में या पाकिस्तान के सपोर्ट में उठता है तो जाहिर तौर पर गुरु और शिष्य के उसी तरह के उदाहरण मिलेंगे जो सनातन परंपरा में मिलते हैं, भले ही आधुनिक हो कलयुग हो। अब देखिए कि पाकिस्तान पर एयर अटैक हुआ है,
उसके सरकार बार बार कह रही है कि उसके आतंकवादियों पर अटैक किया है, न कि पाकिस्तान के नागरिकों पर, उसके आर्मी पर। यह कई दिनों से हुआ, सरकार ने बार बार स्पष्टीकरण दिया, एयर फोर्स ने स्पष्टीकरण दिया, बावजूद उसके गुरु सैम पित्रोदा इस तरह के बयान देते हैं। तो जाहिर तौर पर जो सवाल उठाए अरुण जेटली ने कि गुरु ऐसा है तो चेला कितना निकम्मा होगा, सबके सामने है देश के। राम प्रकाश दुबे, क्या कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया आ पाई, क्योंकि राहुल गांधी मिले सैम पित्रोदा से, लेकिन बाद में इसी तरह की खबरें आई कि सैम पित्रोदा अपने बयान पर कायम है। देखिए अदिति, मैं आपको बता दूं, अभी कुछ देर बाद ही राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस दफ्तर में शुरू होने वाली है, शायद राहुल गांधी इस पर रिएक्ट करें। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सैम पित्रोदा कोई आम आदमी नहीं है, कांग्रेस पार्टी के ओवरसीज सेल के प्रमुख हैं, वो एक एडवाइजर के तौर पर राहुल गांधी को राय देते रहे हैं, राहुल गांधी के विदेश में सारे कार्यक्रम आयोजित करते रहे हैं, एक जानी मानी हस्ती हैं, यूपीए सरकार में एक अहम पद पर रहे हैं, वो इस तरह का बयान देते हैं। इस बयान से मैं आपको बता दूं भारत को नुकसान होगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, इसका फायदा उठाएगा। एक बात साफ है अदिति, देखिए फॉरेन सेक्रेटरी ने जब प्रेस रिलीज किया था एयर स्ट्राइक के बाद, तो उसमें साफ तौर पर कहा गया था कि पुलवामा हमले के बाद हमने आतंकियों को टारगेट किया है, और इस बात को भारत की इस बात को पूरी दुनिया ने माना है, एयर स्ट्राइक पर किसी ने सवाल नहीं उठाया है। लेकिन सैम पित्रोदा राजनीति के चलते अगर सवाल उठा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं देश का नुकसान कर रहे हैं, वो मिक्सअप कर रहे हैं चीजों को, वो जानते नहीं है कि इससे देश का बड़ा नुकसान होगा। और अभी कुछ देर बाद राहुल गांधी इस पर क्या कहते हैं ये देखना होगा। लेकिन अभी ऑफ कैमरा मेरी कांग्रेस नेताओं से बात हो रही थी अदिति, मैं बता दूं तो कांग्रेस नेता लगभग जो जिनसे भी अभी बात हो रही थी सीनियर नेता हैं, वो कह रहे थे कि देखिए वो कोई पार्टी में रेगुलर पोस्ट पर नहीं है, वो चीजें समझते नहीं है। तो मुझे लगता है कि शायद कांग्रेस इस मामले से अपनी दूरी बना ले, लेकिन इस तरह का बयान दे रहे हैं इससे कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। अदिति, विशाल पांडे, अखिलेश यादव की तरफ से थोड़ी देर पहले कहा गया कि आर्म्ड फोर्सेस के बलिदान को कोई उस पर सवाल नहीं उठा सकता है, लेकिन राजनेताओं से सवाल पूछना डेमोक्रेसी में ये सबका अधिकार है, और गवर्नमेंट ये प्रिटेंड करना, ये अपने आप को दिखाना बंद कर दे कि वो इंडियन आर्मी है, और जो पॉलिटिशियंस खुद से सवाल नहीं पूछे जाने देना चाहते हैं दरअसल वो डेंजरस है। लेकिन यहां पर अखिलेश यादव जिन लोगों की बात कर रहे हैं, चाहे वो सैम पित्रोदा हों या फिर रामगोपाल यादव हों, सवाल नहीं पूछे उन लोगों ने, आरोप लगाए। बिल्कुल अदिति, देखिए कल रामगोपाल यादव ने होली के दिन ही पुलवामा अटैक को एक साजिश बताया था और कहा था कि अगर उनकी सरकार आती है तो इसकी जांच की जाएगी। तो रामगोपाल यादव के इस बयान के बाद काफी हंगामा हुआ, और आज अखिलेश यादव इस बात को कह रहे हैं कि आर्म फोर्सेस पे सवाल नहीं उठाए जा सकते, लेकिन राजनेताओं से सवाल जरूर पूछे जा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बयान पिछले कई दिनों से लगातार नेताओं के आ रहे हैं, उसमें अखिलेश यादव ने बीच का रास्ता निकालते हुए इस तरह का ट्वीट किया है कि आर्म फोर्सेस पे सवाल नहीं उठाया जा सकता है, क्योंकि रामगोपाल यादव के बयान से लगातार समाजवादी पार्टी कटघरे में खड़ी हो रही थी। पुलवामा अटैक के बाद जिस तरह से देश में एयर स्ट्राइक के बाद एक माहौल खड़ा हुआ था, हर कोई सेना के साथ खड़ा हुआ है, हर कोई सेना के इस कार्रवाई के साथ खड़ा हुआ, लेकिन जब इस तरह के सवाल उठते हैं तो कहीं ना कहीं इसका राजनीतिक नफा नुकसान भी यहां पे राजनीतिक दल जरूर देखते हैं। और अब जब लोकसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है तो इस तरह के बयान और ज्यादा सुनने को अदिति मिल सकते हैं, क्योंकि अभी तो कैंपेनिंग शुरू होगी, तो एयर स्ट्राइक, पुलवामा अटैक और न जाने कौन कौन से मुद्दे इस चुनाव में जरूर सुनने को मिल सकते हैं। अदिति, रविंद्र कुमार, मेरा सवाल आपसे यह है कि चुनावी मौसम है, ऐसे बयानों के जरिए वोट बटोरने की कोशिश है, मैं आपसे समझना चाहती हूं रविंद्र कुमार, इतनी इरेस्पॉन्सिबल, इतनी गैर जिम्मेदाराना बयानबाजी से कौन से लोग हैं जो वोट देते हैं, ये कौन सी सियासत साधने की कोशिश की जा रही है विपक्ष द्वारा? देखिए, शायद गलतफहमी है विपक्षी दलों को या खासकर कांग्रेस को और कांग्रेस के बड़े नेताओं को। देखिए, चाहे शशि थरूर हो, मणिशंकर अय्यर हो, सैम पित्रोदा हो या दूसरे बड़े नेता इस तरह के बयान देते हैं, उनको लगता है कि पाकिस्तान के पक्ष में वोट बयान देते हैं तो भारत के जो मुस्लिम समुदाय है या अल्पसंख्यक वो उनके समर्थन में आ जाएंगे। ये गलतफहमी उन्होंने पाल रखा है। कश्मीर में कुछ लोग भले ही अलगाववादी आतंकवादी हो सकते हैं, पूरे देश में ऐसा देखने को नहीं मिला है सालों से, आपने देखा कुछ लोग हो सकते हैं भटके हुए लोग, लेकिन पूरी आबादी, चाहे अल्पसंख्यक हो या उसे कहें मुस्लिम आबादी, ये भारत विरोधी नहीं है। ये कांग्रेस से राहुल गांधी सैम पित्रोदा को समझ में शायद अभी तक नहीं आया है, और उनको लगता है कि पाकिस्तान को सपोर्ट करो यानी मुस्लिम देश को सपोर्ट करो तो हमें मुस्लिम हमें वोट देंगे। इस गलतफहमी में शायद पूरा नेतृत्व और पूरी पार्टी जी रहा है, जिसका खामियाजा उन्होंने उनको 2014 में भुगतना पड़ा। हालांकि राहुल गांधी को बाद में उनको लगा कि हम लोग एक खास समुदाय के पक्ष में इतने घोर तरीके से पीछे साथ में रह गए कि हमें एक बहुसंख्यक समुदाय का खामियाजा भुगतना पड़ा। बावजूद इसके आप देखिए कि बाद में 2014 से पहले की स्थिति कहीं ना कहीं कांग्रेस में देखने को 19 में मिल रही है, उनको लग रहा है
पाकिस्तान के सपोर्ट करो, पाकिस्तान के समर्थन में बात करो, मोदी सरकार के खिलाफत करो, मुस्लिम उनके पक्ष में आ जाएंगे, उनकी सियासत चमक जाएगी। ठीक ठीक। ब्रह्म प्रकाश दुबे, क्या मतलब निकालो इस तरह की बयानबाजी का? मुद्दों की कंगाली है, तंगी है कि ऐसी बयानबाजी की जा रही है? ये गलत फहमी हो गई है। बिल्कुल, देखिए अदिति, आप इसको इस तरह देख सकते हैं कि सरकार को घेरने के चक्कर में, मोदी को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के चक्कर में कांग्रेसी नेता ये भूल जाते हैं कि कहीं ना कहीं इससे देश का नुकसान हो सकता है। यानी आप सरकार पर हमला करते हो लेकिन ये भूल जाते हो कि इससे देश का बड़ा नुकसान हो सकता है। सैम पैट्रोदा ने जो बयान दिया है वो इसी तरह का बयान है कि आप मोदी सरकार पर हमला कर रहे हो लेकिन आप क्या रेफरेंस देकर हमला कर रहे हो, ये बड़ा है। और देखिए, आप गुजरात चुनाव में जब विधानसभा चुनाव हो रहे थे, मणिशंकर अय्यर की एक टिप्पणी ने कांग्रेस को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। ये कांग्रेस के सभी नेताओं ने इस बात को माना कि गैर जिम्मेदाराना एक टिप्पणी ने कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाया। तो सैम पैट्रोदा जिस तरह का बयान दे रहे हैं, इसका नुकसान भी कांग्रेस पार्टी को हो सकता है क्योंकि लोकसभा चुनाव है कुछ ही दिनों बाद और तारीखों का ऐलान हो चुका है। लेकिन ये पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान है। अब कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष क्या कहते हैं अभी कुछ देर में पता चलेगा। अदिति, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं राहुल गांधी, लेकिन इस बयान की लगता नहीं है कि कांग्रेस पार्टी इस बयान का समर्थन करेगी क्योंकि ये सीधे सीधे देश के हित से जुड़ा मामला है। अदिति, विशाल पांडे, वापस अखिलेश यादव के ट्वीट पर लौट रही हूं। और सिर्फ अखिलेश यादव ने, इस पूरे विपक्ष की आप बात सुन लीजिए। एक तरफ वो कहते हैं हम भारतीय सेना का सम्मान करते हैं, पर अगली ही लाइन में जब आप सबूत मांगने लगते हैं उस एयर स्ट्राइक के जिसे एयरफोर्स ने अंजाम दिया है, भारतीय सेना ने अंजाम दिया है, आप दरअसल खुद को ही कॉन्ट्राडिक्ट करने लगते हैं। ये जो लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट है, इसमें विरोधाभास है। देखिए अदिति, अगर हम विपक्ष की बात करें और अगर आज हम सैम पैट्रोदा की बात करें, जो उनका बयान आया है अदिति, इस पूरे मामले में अगर देखिए, जब से एयर स्ट्राइक हुई है जो बीजेपी का माहौल था वो एकाएक पूरी तरह से देश में बदला है। एक राष्ट्रवाद की जो भावना है लोगों के दिल में वो बहुत अच्छी तरह से बस गई इस एयर स्ट्राइक के बाद। तो विपक्ष को ये लगा, खासतौर पर कांग्रेस जैसी पार्टियों को, कहीं इसका फायदा बीजेपी पूरी तरह से ना उठा ले जाए। क्योंकि जो एयर स्ट्राइक के बाद से, क्योंकि हम लगातार ग्राउंड पे जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, तो जो लोगों का मन परिवर्तन हुआ है, जो तमाम मुद्दों को लेकर बीजेपी को नाराजगी भी थी, वो भी राष्ट्रवाद के मुद्दे पर, अब वो उनके साथ खड़े होते हुए दिखाई पड़े। तो हो सकता है सैम पैट्रोदा जैसे जो नेता हैं वो इस बात से ज्यादा घबराए हुए नजर आ रहे हों कि कहीं इसका फायदा बीजेपी को ना मिल जाए। इसलिए अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अटैक करते हैं, सबूत मांगते हैं, तब जाकर कहीं ना कहीं जनता के मन से कुछ जो ऐसे राष्ट्रवाद की भावना है उसको अलग किया जा सके बीजेपी को लेकर, तो कहीं ना कहीं एक ये कोशिश हो सकती है। लेकिन सैम पैट्रोदा गलत पिच पर इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं, पिच पर बैटिंग कर रहे हो और इससे फायदे के बदले नुकसान हो सकता है। और ये बात शायद विपक्ष को इस समय समझ नहीं आ रही है। वैसे आपको बता दें, अब से थोड़ी देर पहले गौतम गंभीर, पूर्व क्रिकेटर, वो बीजेपी में शामिल हो गए। उनके लगातार दिल्ली से चुनाव लड़ने की अटकलें तेज हैं। वर्ल्ड टी20 2007 और वर्ल्ड कप 2011 दोनों ही फाइनल्स में बहुत ही अहम भूमिका गौतम गंभीर ने निभाई थी। उन्होंने अब बीजेपी का दामन थाम लिया है और उनके चुनाव लड़ने की अटकलें इस समय तेज हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली मौजूद थे। ये तब की तस्वीर है जब वो बीजेपी प्रेसिडेंट अमित शाह से मिले थे। गौतम गंभीर ने कहा कि वो प्रधानमंत्री के विजन से काफी प्रभावित हुए हैं, उनके काम से काफी प्रभावित हुए हैं। सुनिए, प्राइम मिनिस्टर से बहुत प्रभावित होकर और उनके विजन से बहुत प्रभावित होकर आई एम ज्वाइनिंग दिस पार्टी एंड आई एम श्योर दैट आई एम गोइंग टू लिव अप टू देयर एक्सपेक्टेशंस बिकॉज आई हैव डन व्हाटएवर आई कुड इन क्रिकेट एंड दिस इज अ फैबुलस प्लेटफॉर्म फॉर मी टू डू समथिंग रियली गुड फॉर दिस कंट्री and take this party forward. और क्रिकेट के पिच पर अपने एग्रेशन के लिए जाने जाते थे, अपने हेलमेट पर भारत के तिरंगे के लिए जाने जाते थे। अब देखने वाली बात होगी भारत की राजनीति में कितने एग्रेशन के साथ खेलते हैं। एक छोटा